हेलो बच्चलोग, वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी। बच्चलोग, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस मॉर्फोलॉजी ऑफ लीव। यस बच्चलोग, अब देखो मॉर्फोलॉजी के हमने ऑलरेडी कितने सारे रिकॉर्डेड वीडियोस डाल दिए बच्चलोग। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम हो गया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स हो चुका है, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूलाज एंड फैमिली, सब कुछ हो गया बच्चलोग। विद दिस सेशन आई एम श्योर हम ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं एकदम खल्लास, ठीक है। तो बच्चलोग बी रेडी, बिकॉज ये वीडियो नीट 2022 को हेल्प करेगा। जी हाँ, नीट 2023 के लिए हेल्प करेगा, एब्सोल्युटली यस। सीबीएसई टर्म 1 एग्जाम 11 स्टैंडर्ड को हेल्प करेगा, परफेक्टली यस। तो बच्चा लोग, लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। वी आर स्टार्टिंग विद मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ, यस। तो चलो शुरू करते हैं बच्चा लोग। लेकिन उससे पहले आपको पता है आपकी टर्म 1 एग्जाम्स बहुत नजदीक आ रही है, और इसी टर्म 1 एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बच्चा लोग, वी हैव स्टार्टेड विद टर्म 1 क्रैश कोर्स। अगर आप 11th में हो तो भी आपके लिए क्रैश कोर्स अवेलेबल है, आप 12th में हो तब भी आपके लिए क्रैश कोर्सेस अवेलेबल। तो ये जो हमारा क्रैश कोर्स जो हम शुरू कर रहे हैं बच्चा लोग, इसके लिए आपको लिंक मैं बता देती हूँ। ये देख लो, ये आपके लिए लिंक रहेगा। ओके, दिस इज व्हाट इज द परफेक्ट लिंक जहां पे आप जा सकते हो, vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे जाइए, आपको क्या सिलेक्ट करके मिलेगा, ग्रेड 11 सीबीएसई 2021 टर्म 1 टर्म 2 साथ में भी ले सकते हो। ओनली टर्म 1 लेना है तो वो भी ले सकते हो। एक बार ओनली टर्म 1 लेके देखो, एक्सपीरियंस करो, समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा एग्जैक्टली क्या है बच्चा लोग वेदांतों की। एक बार फीलिंग लेके देखो कि वेदन क्या है, डेफिनेटली यू विल कम फॉर द नेक्स्ट टर्म आल्सो विद अस। इतना भरोसा है मुझे। पता है क्यों ये भरोसा है? क्योंकि सिंपल सा रीजन है बच्चा, एंड दैट इज वेदांतु इज अ फैमिली। और फैमिली को छोड़ के कहां जाओगे, है ना? ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं बच्चा लोग। टर्म 1 के क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या अवेलेबल होगा? आपको मिलेंगे फ्री लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, यस। उसके साथ साथ आपको मिलेगा एवरी संडे टेस्ट, और टेस्ट जैसे ही आप एंड करोगे, इट वुड बी अ लाइव टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे। आपको एक एनालिसिस रिपोर्ट आएगा कि ऑल इंडिया लेवल पे आपका क्या रैंक है, स्टेट लेवल पे आपका क्या रैंक है, उस सब्जेक्ट में जहां आपने इतने मार्क्स लाए हैं टॉपर को कितना आया है, कितने क्वेश्चंस आपके राइट थे, कितने रॉन्ग थे। ओके, अगर राइट थे तो आपने कितना टाइम लिया उसमें, और टॉपर ने कितना टाइम लिया था, एवरी पॉसिबल डिटेल, ताकि आपको पता चले आपका एक्यूरेसी रेट कितना है। तो कई बार ऐसे होता है हमको मार्क्स कम आते एंड वी हैव नो आइडिया हाउ टू इम्प्रूव, वेयर टू इम्प्रूव, क्या गलत हो रहा है। तो एनालिसिस रिपोर्ट आपको बताएगा कि आपकी एक्यूरेसी में गड़बड़ है या आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है, वो आपको एनालिसिस रिपोर्ट से आराम से मिलेगा। तो अब वो भी आपको टेंशन नहीं है कि हम अपनी गलती कैसे ढूंढे, क्योंकि वो भी आपको वेदांतु करके दे रहे हैं ना। प्लस आपको आफ्टर द लेक्चर, हर लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स मिलते हैं, और इस असाइनमेंट्स के साथ साथ आपके पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे। नॉट ओनली दिस बच्चा लोग, आपको तत्व की बुकलेट भी, हार्ड कॉपी भी मिलेगी और सॉफ्ट कॉपी भी मिलेगी। इसके साथ साथ बच्चा लोग, ड्यूरिंग द क्लास, क्लास टीचर्स एंड मास्टर टीचर्स दोनों आपका डाउट सॉल्व करेंगे। मतलब इट इज अ टू टीचर मेथड ऑफ स्टडिंग, ठीक है, जहां दो टीचर्स अवेलेबल होंगे आपके लिए, एक होंगे क्लास टीचर और एक होंगे मास्टर टीचर। इसी के साथ बच्चा लोग, अगर आप लाइट के बदले क्लासिक प्लान लेते हो तो आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा इवन ऑन मोबाइल ऐप। अब आप सोचोगे, अरे मैं क्लासिक प्लान ले लूं, कितना डिफरेंस जाएगा? बच्चा लोग, आप शॉक हो जाओगे ये अगर आप देखोगे कि लाइट हो या क्लासिक हो, फीस रिमेन सेम, सेम फीस होगी, सेम टू सेम। मतलब वी डोंट चार्ज एनी एक्स्ट्रा थिंग फॉर डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। तो बच्चा लोग, व्हाई टू गो फॉर लाइट व्हेन यू हैव क्लासिक? चलो ये भी मैं बता दूं, आपका कूपन कोड क्या रहेगा फॉर द डिस्काउंट, द कूपन कोड हैज टू बी बीएम प्रो, है ना। अब बच्चा लोग, माता रानी जो है वो हमको बोल रही है, यार आज अष्टमी हो चुकी है, दशहरा नजदीक है। तो हमने सोचा ठीक है, जब दशहरा नजदीक है तो हम आपको दशहरा के लिए कुछ सरप्राइज भी देना चाहते हैं, है ना। तो ये देख लो, ये तो बच्चा आपको ये बता रहा है, ये तो मैं आपको रोज बताती हूँ कि वेव और यूट्यूब पे क्या डिफरेंस है। अगर आप आज ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, मतलब यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपको मैं बता दूं बच्चा लोग, वेव और यूट्यूब पे उतना ही डिफरेंस है जितना किसी इंसान से बस दूर से बात करना और किसी इंसान को फेस टू फेस मिलने में डिफरेंस होता है। मतलब यूट्यूब पे शायद मैंने आपको कभी देखा भी नहीं होगा, आपका नाम याद हो ना हो, क्या पता, आपसे शायद इतना बात भी ना कर पाऊ, बिकॉज चैट सेक्शन अगर पढ़ते रहूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, है ना। बट इफ आई कंसिडर वेव, वेव इज नॉट लाइक दैट, वेव इज लाइक 1-to-1 इंटरेक्शन विद टीचर। मुझे पता होता है मेरे कौन से क्लास में कौन से बच्चे है, मुझे बच्चों के नाम पता है, काफी सारे बच्चों के चेहरे भी पता है, है ना। सो दैट इज 1-to-1 इंटरेक्शन, दैट इज दैट ऑफलाइन मोड वाला जो फीलिंग होता है ना, जो बॉन्ड बनता है टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ, वो वेव पे बनता है बच्चा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं बच्चा लोग, वेव में इन क्लास डाउट सॉल्विंग होता है। मतलब अगर आपको कोई चीज मैंने पढ़ाई और आपको नहीं समझ में आई,
आप चैट सेक्शन में डाउट लिखो, मैं हूँ सॉल्व करने के लिए, आप डाउट पैनल में डाउट लिखो, क्लास टीचर है सॉल्व करने के लिए। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है, आप टीचर को बोल सकते हो मिस मुझे पूछना है आपसे, आप मुझे म्यूट करो, टीचर म्यूट करेगी, आप बात कर सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, कभी भी आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो आपको मिल जाएगा। लेक्चर के बाद डाउट आए तो क्या करूँ, तो डाउट एक्सपर्ट्स है हमारे पास, है ना। और आपको बेस्ट टीचर्स मिल रहे, बच्चा बेस्ट स्टडी मटेरियल मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना। तो चलो बच्चा लोग, इसी के साथ आज है हमारा 13th अक्टूबर, अष्टमी है आज बच्चा लोग, आज बुरी चीजों का नाश होना है और अच्छी चीजों की विजय होनी है। तो बच्चा लोग आज शुरू करते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। देखो चलो इसी के साथ बच्चा लोग, लेट अस स्टार्ट विद मॉर्फोलॉजी ऑफ लीफ। और हमको क्या पता चलता है, हमको ये पता चला कि अगर एक प्लांट है तो उसका एरियल पार्ट होता है स्टेम। स्टेम के जो आसपास के ऑर्गन्स है जो उससे बाहर आते हैं उसको हम बोलते हैं अपेंडेजेस। तो अपेंडेज में लीफ होता है, रूट होता है, सॉरी लीफ होता है, ब्रांचेस होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये अपेंडेजेस होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, लीफ। क्यों ऐसा, क्योंकि लीफ विल कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट बॉडी में से निकालने में हेल्प करेगा बाय अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसीलिए हमने क्या याद किया, लीव्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपेंडेजेस, ओके, दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड दे हेल्प टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो, सिंपल एज दैट। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट अगर हम टिपिकल लीफ देखते हैं तो ये देखो, ये हमारा टिपिकल लीफ है और इसमें हमको क्या दिखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट थ्री पार्ट्स, ये होता है लीफ बेस, ओके। दूसरा, तो ये होता है लीफ का मिडिल वाला रीजन जिसको हम बोलते हैं पिटियोल। और तीसरा, जो शुरू हुआ था यहां से और खत्म होता है यहां पर, दिस इज नोन एज लैमिना, also known as leaf blade, ठीक है। अब इनके alternate terms बताती हूँ। देखो, leaf appendage होता है और bio में हम appendages को क्या बोलते हैं, पोड़ा, जैसे jointed appendages, arthropoda, तो पोड़ा मतलब appendage। तो जो बेस वाला पार्ट था इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ये पोड़ा का नीचे वाला पार्ट है, hypopodium। मिडल वाले पार्ट को क्या बोलोगे, मीजोपोडियम। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलोगे, एपीपोडियम। ऊपर है ना, एपी मतलब अबाव, सो जो नीचे था वो हाइपोपोडियम, जो मिडल में था वो मीजोपोडियम और जो ऊपर था वो एपीपोडियम। अभी नेक्स्ट, लीफ बेस पे कंपल्सरीली क्या होना जरूरी है, तो हमने बोला ये देखो, ये लीफ बेस था और लीफ बेस पे कंपल्सरीली यू विल हैव अ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इस छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, यू कॉल इट एज स्टिप्यूल। क्या नाम दिया हमने इसको, हमने इसको नाम दे दिया स्टिप्यूल, सिंपल। नेक्स्ट, फिर हमने बोला और भी कुछ होगा, जी हाँ, यहां पर यू विल हैव अ बर्ड, ठीक है। दिस बर्ड दैट यू कैन सी इज नोन एज एक्सिलरी बर्ड। एंड यस बच्चा, एक्सिलरी बर्ड के दोनों बाजू स्टिप्यूल होता है, मतलब यहां पे भी स्टिप्यूल होगा, ठीक है। स्टिप्यूल ऑल्दो ग्रीन होता है, मैं इसको थोड़ा सा येल्लो कर रही हूं सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल टू यू। सो देयर इज स्टिप्यूल हियर और ये स्टिप्यूल के एग्जैक्टली पीछे जिसको इसने छुपाया हुआ था, प्रोटेक्ट किया हुआ था, एंड दैट इज एक्सिलरी बर्ड, क्लियर, सिंपल। नेक्स्ट, फिर क्या होगा, तो हमने बोला और भी कुछ तो होगा यहां पर, क्या, लीफ बेस नीचे से स्वोलन होता है या फिर शीथिंग दिखेगा, ठीक है। वो किस में क्या दिखेगा वो तो आगे देख लेंगे। पिट्यूल वो है जो जाइलम फ्लोएम कंडक्ट करेगा, ताकि मतलब जाइलम फ्लोएम के थ्रू वाटर एंड फूड को कंडक्ट करेगा और लैमिना को ज्यादा एक्सपोज करेगा इन द एयर, ठीक है। नेक्स्ट, लैमिना, लैमिना का सबसे इंपॉर्टेंट या लीफ ब्लेड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, इट इज ग्रीन इन कलर, इट इज फ्लैट एंड इट हैज ओपनिंग्स नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा विल हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, स्टोमेटा विल हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें जो क्लोरोफिल, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर था, उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम फोटोसिंथेसिस, तो लैमिना पूरे लीफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जाएगा। चलो इसी को हम देख लेते हैं, क्या क्या लिखा है हमने। सबसे पहला आता है थ्री मेन पार्ट्स लीफ के, सबसे तीन इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहला क्या आएगा, लीफ बेस या फिर हाइपोपोडियम, लीफ बेस या फिर हाइपोपोडियम,
सिंपल, नेक्स्ट कुछ भी ना दिखे इस पे, तो ये दिख जाए ना, ठीक है चलो कोई नहीं, हाईलाइट करने से कोई ना हो, ठीक है। तो हमने बोल दिया क्या जाएगा, लीफ बेस और हाइपोपोडियम। ये वो पॉइंट है ऑफ लीफ जो लीफ को स्टेम से अटैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट होगा पिटियोल या फिर मेसोपोडियम। ये वो है जो लीफ के लैमिना को लीफ बेस से कनेक्ट करेगा, इट इज नोन एज पिटियोल ऑफ लीफ। और द लास्ट पार्ट इज नोन एज लैमिना, ऑल्सो नोन एज एपिपोडियम। ये सबसे बड़ा एक्सपैंडेड फ्लैट स्ट्रक्चर होता है और ये ग्रीन इन कलर होता है, क्योंकि ये ग्रीन कलर का ये फोटोसिंथेसिस करेगा एंड क्योंकि इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होगा ये ट्रांसपिरेशन भी करेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। देख लो बच्चा लोग एक बार स्क्रीन पर अच्छे से, ठीक है। आई होप इट इज विजिबल, नहीं तो ठीक है चलो मैं यहाँ आ जाती हूँ, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है मैं कर क्या रही हूँ, बट ठीक है चलो एटलीस्ट हमको थोड़ा बहुत दिख तो रहा होगा स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम इस पार्ट पर और हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर। हमने बोला यहाँ पर यू कैन इजिली सी लीफ में, ये देखो ये स्टिप्यूल थे और इसी स्टिप्यूल के यहाँ आसपास कहीं एक्सिलरी बड होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये कौन था, ये था आपका वो पिटियोल, ओके। नेक्स्ट ये लैमिना का बेस है, ये लैमिना बेस है, ये मिडरिब था जो मिडल वेन होता है, ये उसके वेन्स और वेनलेट्स जो यहां आपको दिख रहे, ठीक है। फिर ये लीफ का मार्जिन और ये लीफ का अपेक्स, ये सारे पार्ट मिलके बनते हैं लीफ ब्लेड या फिर लैमिना या फिर एपिपोडियम, सिंपल। चलो आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट एंड व्हाट डू वी सी हियर। तो हमने बोला देखो क्या खूबसूरत सा इमेज है यार, एंड व्हाट डज इट शो, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स, किस तरीके से वेन और वेनलेट्स अरेंज हुए हैं, दैट इज नोन एज वेनेशन। सो बच्चा लोग ये देख लो जिस तरीके से वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट हुआ है, कि वेन भाई ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, नेटवर्क बन रहा है या पैरेलल जा रहा है, उसी अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड वेनलेट्स को हम क्या बोलेंगे, वेनेशन। नेक्स्ट वेन्स का काम होता है कि उसके अंदर जाइलम फ्लोएम होगा, तो इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम एंड कंडक्शन ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। इसका मतलब वेन में जाइलम फ्लोएम दोनों होगा, एब्सोल्युटली यस। नेक्स्ट फिर हमने बोला स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ लैमिना इज डेवलप्ड बाय वेन, मतलब जैसे हमारे बॉडी का स्केलेटन होता है ना, एंडोस्केलेटन जो बोन से बनता है, वैसा ही लीफ को एक शेप मिलना, एक स्ट्रक्चर मिलना, एक पर्टिकुलर यू नो फ्रेमवर्क मिलना, वो वेनेशन का काम है, वो वेन्स का काम है। तो वेन्स जो रहेंगे वो एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देगा ताकि लैमिना को एक शेप मिल सके। कितने टाइप के वेनेशन दिखते हैं हमको, तो एक जो डाइकॉट की खासियत होती है एंड दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स विल शो यू रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट डाइकोटोमस वेनेशन, ये देखो ये किस में दिखता है, ये आपको मिलता है इन गिंको बाइलोबा विच इज अ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा, इसमें ना हर पॉसिबल वेन दो में ब्रांच होता है, हर पॉसिबल वेन दो में ब्रांच होता है, हर पॉसिबल वेन दो में ब्रांच होता है, दैट इज डाइकोटोमस वेन वेनेशन। नेक्स्ट एक और आता है नोन एज पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट, यहां आपको कोई ब्रांचेस नहीं दिखते, सब पैरेलल 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 लाइंस, ठीक है। तो या तो रेटिक्यूलेट होगा नेटवर्क लाइक, या फिर पैरेलल होगा जो मोनोकॉट में दिखता है, या फिर जिम्नोस्पर्म के कुछ सिंपल लीव्स होते हैं जो गिंको बाइलोबा की लीव्स है, जिसमें आपको डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखेगा। नेक्स्ट और किसी में दिखता है डाइकोटोमस ब्रांचिंग, तो हमने बोला यस इट इज ऑल्सो सीन इन डिक्टियोटा विच इज अ ब्राउन एल्गे। चलो आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज टाइप्स ऑफ लीव्स। कितने टाइप के लीव्स हैं और क्या क्या जाएंगे, तो हमने बोला देखो अगर लैमिना, जैसे ये पूरा स्ट्रक्चर देखो बच्चा, दिस इज लैमिना, ठीक है, ये एक लैमिना था। अब लैमिना एक ही है, वो फर्दर डिवाइड हुआ ही नहीं, देयर इज ओनली वन सिंपल लैमिना। तो हमने बोला अगर एक ही सिंपल लैमिना है तो हम उसको बोलेंगे सिंपल लीफ, जैसे आपको यहां दिख रहा है ना। बट अगर समझो लैमिना सिंपल नहीं है, मतलब लैमिना इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, जैसे आपको यहां दिख रहे वो जो एक लंबा सा सिंपल सा लैमिना था, इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल 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 लीफलेट्स। तो जब लैमिना इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल लीफलेट्स, यू कॉल इट एज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ या फिर पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, मतलब बेसिकली इट इज अ कंपाउंड लीफ
डिपेंडिंग अपॉन वो किस तरीके से डिवाइड हुआ, यू कैन कॉल इट एज पिन्नेट और पाल्मेट। पिन्नेट का मतलब पिन्ना, मतलब फेदर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक बीच में मिडरिब है जो जिसको हमने मॉडिफिकेशन के बाद नाम दे दिया है। दिस मिडरिब दैट यू कैन सी इज नाउ नोन एज रैचेस। तो ये जो आपका रैचेस था जिसके पास वो फेदर लाइक अरेंजमेंट था, ठीक है, विच इज द मिड वेन एक्चुअली ऑफ द ओरिजिनल लीफ, तो वो जो ऐसे दोनों साइड पे लीफलेट रखेगा दैट इज नोन एज पिन्नेटली कंपाउंड। इसका फॉर्मेशन मैं बताती हूँ बच्चा लोग, ये देखो ये आपके पास था सिंपल लीफ। फिर क्या हुआ, फिर एवोल्यूशन में ये सिंपल लीफ ऐसा ब्रेक हुआ, और फिर धीरे धीरे ये ऐसे बन गया सिंपल। तो ये यहां से पहले ब्रेक होना शुरू हो गया, इतना ज्यादा ब्रेक हुआ कि वो मिडरिप तक पहुंच गया, एंड देन इट टर्न्स आउट इनटू लीफलेट्स। सिंपल, दैट इज व्हाट इज पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। खत्म, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल बता दूं, जैसे कि ये पहले इरेज कर देती हूं मैं। अब ये देखो बच्चा लोग, इफ आई टॉक अबाउट सिंपल लीफ, उसका एग्जाम्पल जाता है हमारे पास मैंगो, सनफ्लावर, या फिर मे बी पपाया या कैस्टर। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ बहुत आसान, क्या आ जाएगा, दूसरा कलर यूज करती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ के लिए एग्जाम्पल्स विल इंक्लूड नीम, ठीक है, देन आई कैन इंक्लूड एग्जाम्पल्स लाइक टैमरिंड या फिर माइमोसा, रोज, टैमरिंड, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, ठीक है, टैमरिंड हो, रोज हो, नीम हो, माइमोसा हो या फिर कोरिएंडर हो, सब के सब क्या है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट फिर हमने बोला पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, ये क्या होता है, तो हमने बोला देखो मिडरिब जो था ना वो खत्म, अब ये पिटियोल है, पिटियोल कौन है, ये पिटियोल, पिट्यूल का टिप स्वोलन होगा, ये स्वोलन टिप ऑफ पिट्यूल, और इसके ऊपर से लीव्स आएंगे, तो ये कैसा दिखेगा, ये देखो ये पिट्यूल, पिट्यूल का स्वोलन टिप और इसके ऊपर से लीव्स आएंगे, तो इट लुक्स लाइक पाम, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज पाल्मेटली कंपाउंड, है ना। अब पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से जब लीफलेट ओरिजिनेट होंगे दैट इज नोन एज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। अभी एग्जाम्पल्स में क्या क्या जाएगा, तो हमने बोला देख लो एग्जाम्पल्स। पाल्मेटली कंपाउंड लीफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दैट यू कैन हैव इज बॉम्बैक्स, दैट इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल दैट यू कैन हैव इज बेल, ठीक है, जो शिवजी को चढ़ता है दैट इज बेल, वो हो सकता है हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास, वो जो दशहरा पे चलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सोना पत्रा वाला जो बोलते हैं दशहरा पे, जो एक दूसरे को बोलते हैं गोड़ गोड़ बोले, ठीक है, वो वाला बोहिनिया, और यस सिट्रस, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ लीफ के बाद हम आ जाते हैं टू लीफ मॉडिफिकेशन। सबसे पहला लीफ मॉडिफिकेशन इज जहां पे लीफ क्या बन जाएगा, कांटेदार, स्पाइन, ठीक है, तो ये हमको एग्जांपल मिलेगा इन जेरोफाइट्स या डेजर्ट प्लांट्स, जहां लीफ स्पाइन बना है, क्यों, तो ये भी मैं आपको बता दूं, लीफ स्पाइन बना है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करने के लिए लीफ क्या बन चुका है, स्पाइन। एग्जांपल क्या आएगा हमारे पास, ओपनशिया, अगेव, अकेशिया एंड ज़िज़िफस, ये सब के सब हमारे क्या रहेंगे, डेजर्ट प्लांट्स। बच्चा बहुत अच्छे से याद रखोगे, ओपनशिया में कंप्लीट लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, अगेव में लीफ अपेक्स इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, अकेशिया एंड ज़िज़िफस में लीफ स्टिप्यूल इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। चलो ये भी मैं लिख लेती हूं यहां पे, ओके, यहां पे अपेक्स इज मॉडिफाइड, इन दोनों भी केस में स्टिप्यूल इज मॉडिफाइड, और यहां पे होल लीफ इज मॉडिफाइड इन केस ऑफ ओपनशिया,
सिंपल, नेक्स्ट। अब आता है हमारे पास लीफ टेंड्रिल। तो लीफ टेंड्रिल क्यों मॉडिफाइड हुआ था? फॉर सपोर्ट। सपोर्ट के लिए लीफ मॉडिफाई हुआ है इनटू टेंड्रिल। ठीक है, एग्जांपल, एग्जांपल में क्या आएगा? उरे बाप रे, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा? तो हमने बोला देखो, एग्जांपल विल इंक्लूड स्वीट पी। ठीक है, ये क्या हो गया यार, गड़बड़ है। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल में एक आएगा हमारे पास स्वीट पी, मतलब पाइसम सटाइवम। दूसरा क्या आएगा? तो दूसरा हमारे पास आएगा, एक मिनट वेट, जगह बन गई लिखने। ये होते हैं हम इंडियंस, हम कहीं पे भी जोल कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास पहला एग्जाम्पल हो गया है स्वीट पी। दूसरा एग्जाम्पल क्या आएगा ये भी लिख लेते हैं। आ जाओ, सेकेंड एग्जाम्पल आता है हमारे पास क्लिमेटस। थर्ड आता है हमारे पास नेपेंथिस। नेपेंथिस इज पिचर प्लांट। तो जो पिचर बना है वो लीफ टेंड्रिल की वजह से ही बना है। क्लिमेटस में पिटियोलर टेंड्रिल होता है, मतलब पिटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। स्वीट पी मतलब लीफ लेट टेंड्रिल होगा। और अगर मैं बोल दूं हमारे पास है वाइल्ड पी, ठीक है, तो वहां पर मतलब लथाइरस, होल लीफ इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। और कुछ बचा? नहीं, ठीक। तो हमने बोल दिया देखो, कंप्लीट लीफ इनटू टेंड्रिल लथाइरस, लीफ लेट टेंड्रिल स्वीट पी, दैट इज पाइसम सटाइवम, या गार्डन पी बोलो चलेगा। क्लिमेटस में पिटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, और नेपेंथिस में हमारा मिडरिब इज मॉडिफाइड या पिटियोल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। पिटियोल से लेके मिडरिब इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, ताकि वो क्या बन सके, इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक और चीज मुझे याद आ गई, स्माइलैक्स, जिसमें स्टिप्यूल इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। ठीक है, नेक्स्ट। अब आ जाती हूं मैं यहां पर, ताकि आपको दिख सके लीफ हुक। लीफ हुक में क्या आएगा? तो हमने बोला इन केस ऑफ लीफ हुक, लीफ जो रहेगा वो हुक लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होता है, विच लुक्स लाइक कैट्स नेल। इसलिए हमने प्लांट को क्या नाम दे दिया? बिग्नोनिया इंग्विस्केटाई। इंग्विस्केटाई मतलब इट लुक्स लाइक कैट्स नेल। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट लीफ हुक क्यों मॉडिफाई हुआ था? फॉर सपोर्ट, फॉर सपोर्ट। तो तीन लीफलेट होंगे, ओके, थ्री लीफलेट्स, दे मॉडिफाई इनटू हुक लाइक स्ट्रक्चर्स, कर्व्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कर्व्ड, ऐसे कर्व्ड स्ट्रक्चर बनेंगे हुक लाइक स्ट्रक्चर्स। कितनी लीफलेट? थ्री लीफलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट फाइलोड। अब फाइलोड क्या होगा? तो हमने बोला इफ आई टॉक अबाउट फाइलोड, फाइलोड में जो तुम्हारा पिटियोल था, पिटियोल वो मॉडिफाई होता है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि लैमिना गिर जाता है। ठीक है, ये आपको दिखता है अकेशिया ऑरिक्यूलोफॉर्मिस, ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ठीक है, इमेज देखना है, ये देखो, दिस इज द इमेज, परफेक्ट, सिंपल। ठीक है, इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा बच्चा लोग आपको, तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि ये जो आपके मॉडिफिकेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड टर्म वन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलो बच्चा लोग, इसी के साथ आई वुड लाइक टू कम टू द लास्ट टॉपिक, एंड दैट इज टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइलोटैक्सी? तो हमने बोला तीन टाइप आएंगे, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड वर्ल्ड। शुरू करते सबसे पहले ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी से। ऑल्टरनेट मतलब एक नोड पर, एक नोड पर, अरे एक नोड पर, एक नोड पर एक ही लीफ, वन लीफ ऑन वन नोड, दैट इज नोन एज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पाइरल फाइलोटैक्सी। ठीक है, अब किस में दिखेगा ये? एग्जाम्पल मैंगो, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड पीपल। नेक्स्ट, अपोजिट डेकसेट फाइलोटैक्सी। नाउ व्हाट इज अपोजिट डेकसेट? तो हमने बोला देखो, एक नोड पे दो लीफ दिख रहा है आपको, एक नोड पे दो, एक नोड पे दो, एक नोड पे दो लीफ, तो एवरी नोड विल हैव टू लीफ, बट लुक एट द एंगल। दो अगर ऐसे है तो ऊपर वाले ऐसे होंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब दे आर एट 180 डिग्री टू ईच अदर, 90 डिग्री टू ईच अदर, सॉरी। ठीक है, तो हमने बोला अंडर सच सिनेरियो ये ऐसे दिखेंगे अपोजिट डेकसेट फाइलोटैक्सी। एग्जाम्पल क्या जाएगा? एग्जाम्पल विल इंक्लूड कैलोट्रोपस, ठीक है, जीनिया एंड तुलसी। नेक्स्ट सुपरपोस्ट, सुपरपोस्ट मतलब एक के ऊपर एक, ये देखो
एक के ऊपर एक सुपर पोस्ट, ठीक है। किस में लिखेगा ये? एक नोड पे दो थे, अपोजिट मतलब एक नोड पे दो लीफलेट्स या दो लीव्स, बट एक के ऊपर एक अगर आएंगे मतलब दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो वो एग्जाम्पल में क्या जाएगा? गुआवा एंड जामुन, गुआवा एंड जामुन। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी की, तो वर्ल्ड फाइलोटैक्सी में क्या जाएगा? दिस इज वेयर यू सी, एक हमारे पास पिटियोल था, मतलब ऐसा कुछ, या फिर एक हमारे पास नोड था और नोड से बहुत सारे लीव्स एक साथ आ गए, ठीक है। इट्स मोर देन टू लीव्स एट अ नोड। आई रिपीट, क्या बोला हमने? मोर देन टू लीव्स ऑन ईच नोड, दैट इज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी। एग्जाम्पल, नेरियम, एलोवेरा, एल्स्टोनिया। एल्स्टोनिया इज ऑल्सो, फन फैक्ट बता रही हूँ बच्चा, एल्स्टोनिया इज ऑल्सो नोन एज डेविल्स ट्री, डेविल्स ट्री, शैतान का पेड़, ठीक है। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट बच्चा लोग। मैंने बोला था आपको, माता रानी ने बोला है अष्टमी आया, मेरे बच्चों के लिए कुछ अच्छा करो, तो हमने भी सोचा ठीक है। दशहरा आ रहा है बच्चा लोग, एंड दशहरा ऑफर है, क्या ऑफर है? यूज द कोड BM प्रो ऑन एनी पॉसिबल प्रो सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट 50% ऑफ। आई रिपीट बच्चा लोग, यूज द कूपन कोड BM प्रो ऑन एनी पॉसिबल प्रो सब्सक्रिप्शन एंड यू विल गेट 50% ऑफ अप टू ₹2000 ऑफ। क्या कमी है यार, चाहे आप 11th का प्रो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो नीट के लिए, 12th का प्रो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो नीट के लिए, आप रिपीटर्स बैच में ले रहे हो, या फिर आप टर्म 1 टर्म 2 का क्रैश कोर्स ले रहे हो, एब्सोल्युटली 50% ऑफ, 2000 तक ऑफ मिलेगा आपको बच्चा लोग। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टिल दशहरा, ठीक है। तो सिर्फ 2-3 दिन बचे बच्चा लोग, फटाफट रजिस्टर कर लो अपने आपको, ठीक है, एनरोल कर लो अपने आपको वेदांतु में, एंड वेलकम टू वेदांतु फैमिली बच्चा लोग। यस, If you are enrolling for a long-term batch, bacha, you will be eligible for Vedantu Improvement Promise. Although आपको ये use तो करना नहीं पड़ेगा, मुझे भरोसा है अपने आप पे भी और Vedantu पे भी और आप पे भी। और इसीलिए हमको क्या दिख रहा है बच्चा लोग, अगर progress हम measure कर सकते हैं तो क्यों ना हम उसको assure भी करें। तो we assure you, when you come to Vedantu, आपका improvement होना है, आपका progress होना है, है ना? And what is it progress? Progress ये है कि अगर हम आपको गारंटी देते कि ये आपके स्कूल एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में इतने मार्क्स आएंगे, आपके नीट के इतने मार्क्स आएंगे, इफ दैट गारंटी इज नॉट फुलफिल्ड बाय अस विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्क टेस्ट, तो डेफिनेटली योर कोर्स फी विल बी गिवन बैक विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। लेकिन यस, देयर इज वन कंडीशन दैट यू हैव टू फुलफिल। अगर हम आपके लिए इतना कमिटमेंट कर रहे बच्चा, आपको भी कमिटमेंट देना पड़ेगा कि यस आई एम गोइंग टू हैव 75% अटेंडेंस इन द लेक्चर्स एज वेल एज इन द टेस्ट। मैं भी मेहनत करूंगा आप लोगों के साथ, है ना। हम इतना मेहनत कर रहे हैं बच्चा लोग आपके लिए, हम इतना हार्डवर्क कर ले आपके लिए, तो आपने भी थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है हमारे लिए, है ना। तो चलो बच्चा लोग, इसी के साथ, वेदांतु प्रॉमिस के साथ, आई वुड लाइक टू थैंक उषा मैम ऑल्सो फॉर मेकिंग सच वंडरफुल स्लाइड्स फॉर अस, इतना अच्छे से कट शॉर्ट करके देने के लिए टेबल में। एंड बच्चा लोग यस, डू नॉट फॉरगेट, आजकल हमको आपके प्यार नहीं मिल रहे बच्चा लोग, तो प्लीज 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 वीडियो को फटाफट से लाइक कर लो, शेयर कर लो एंड सब्सक्राइब कर लो ऑन वेदांतु नीट मेड इजी। यस बच्चा लोग, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू टिंग डाउन वेदांतु नीट मेड इजी, ताकि जब भी हम लाइव ही आ रहे हैं यार, हम जिंदगी लेके आ रहे हैं, बायो लेके आ रहे हैं आपके लिए, तो जब भी हम लाइव आते हैं, है ना, तब 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 आपके फोन की घंटी बजनी चाहिए टिंग टोंग, बिकॉज आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को ऑल पे टर्न किया है। यस, चलो बच्चा लोग, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि एंड एंजॉय योर अष्टमी। आज माता रानी आप सबको सारी सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके आए लाइफ में, इंक्लूडिंग वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन, है ना। चलो बच्चा लोग, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।